बढ़त हैदराबाद उन्होंने मूव किया तो सही, बट क्या उन्हें जरूरत थी ये मूव करने की कौन है बाद में जरूर पता चलने वाला। फिलहाल के लिए ओआर के पास एक बढ़िया फिनिश आता हुआ जेली पहला नॉक फिनिश अपनी टीम के लिए निकालते हुए। वहीं पर टीम एक्सपा की बात करें जस्ट उनके पीछे से वो निकल के गए, अभी भी आप देखेंगे एक बढ़िया इलाका उनके पास है, बट एनिग्मा के प्लेयर्स का मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि वो कब थोड़ा सा छलांग लगाएंगे। ये मैं 3-4 बार बोल चुका हूँ आई नो, बट यहाँ पे ओआर के प्लेयर को आप देखें वो सीधा चार्ज करते हुए आपको दिखाई देंगे। सामने हैदराबाद के प्लेयर पे मौजूद एक बढ़िया ग्रेनेड कुक जरूर करा गया, वैक्सी में भी वहाँ पे फंस सकते हैं, डैमेज उन्होंने बहुत ज्यादा दिया बट ग्रेनेड बांटी का था वैक्सी डाउन, आदित्य वो भी यहाँ पे डाउन हो जाएगा बट सामने से एक बढ़िया कॉल फायर आता हुआ ईवो का बांटी डाउन हो चुके हैं। ईवो की बात करें वो भी यहाँ पे डाउन हो जाएंगे, लास्ट प्लेयर जेली टाइजीएल वो सर्वाइव करेंगे। ओआर स्पोर्ट्स एक मौका था बट उन्होंने खो दिया। ये उसी दिन का शेड है जब आपको याद होगा जेली सबसे पहले गए थे स्काईलाइट्स पर रश किया था, जेली पिक हो गए थे बट ओआर के 3+ जाकर के टीम को एलिमिनेट करके आए थे। इस बार ओआर के प्लेयर्स ने पहले पिक किया हैदराबाद हाइड्रास के एक प्लेयर को एंड उन्होंने रश किया, सेम मेंटालिटी ओआर की थी लेकिन इस बार काम में नहीं आई। जेली अकेले बचे हुए भाग रहे हैं आगे की तरफ को बट मैंटी का एक नेट जाएगा, एस ब्लैक को पिक करेगा, उन्हीं के टीममेट को डाउन किया गया, उसके पॉइंट्स नहीं मिलेंगे ये चीज ऑब्वियसली उनको पता है लेकिन एस ब्लैक को रिवाइव यहां पर दिया जाएगा। बट ओआर ईस्पोर्ट्स एक हल्की सी या फिर मैं बोलूं बहुत ज्यादा खराब शुरुआत पर बहुत बचे नहीं। हीरो वहां पे सोमराज के द्वारा डाउन किए गए मोस्ट प्रोबब्ली, इसी के साथ आरी स्पोर्ट का खात्मा स्कारलाइट के द्वारा हमें देखने को मिलने वाला बट रेमिनेंट वर्सेस गॉड लाइक ये बहुत बेहतरीन फाइट बट आप देख रहे रेकनिंग आई लव दिस वो ऊपर मौजूद है, सामने उनके ओल्ड हुड के प्लेयर मौजूद हैं, एक थर्ड पार्टी जरूर आ सकती है, मैं थर्ड पार्टी की बात कर रहा था रेकनिंग ऊपर दे बट इसी के साथ एक बढ़िया ग्रेनेड होती और यही इनके पॉइंट्स रहेंगे। कल के दिन 20 पॉइंट्स आए थे, अभी एक पॉइंट मिलता है। बट आप देखें ओशन फिनिश, अभी ये जो फाइट थी वो खत्म नहीं हुई क्योंकि टीएसए वर्सेस रेवेनेंट की जो फाइट है वो हमें देखने को मिलने वाली है। रेवेनेंट का एक प्लेयर यहां पे खत्म हो चुका है टॉप डॉग, जाते जाते जोनाथन ने फिनिश जरूर निकाला बट अब ग्रेनेड की यहाँ पे बारिश होने वाली है, शैडो सबसे आगे मौजूद रहेंगे, ब्लेज को आप देखें कवर फायर वो प्रोवाइड कर जरूर है बट क्या उनको वहां से दिखाई दे रहा है वो बाद में बात करेंगे। सुल्तान की बात करी जाए सोकल एक बार फिर से बेहतरीन शिफ्ट लेता और सुल्तान वहां पे उन्होंने ग्रेनेड करा था स्काउट वो भी डाउन हो गए बट एक और ग्रेनेड आता हुआ सुल्तान का और इसी के साथ पूरी स्क्वाड रेकनिंग की तरह में स्थान पे इस बात से बाहर। और अब टीएसएम के प्लेयर्स रेवेनेंट पर रश करना चाहते हैं, सर्कल के बाहर ये लोग फाइट लेना चाहते हैं, क्यों क्या कैसे पता नहीं बट इनका डिसीजन है कि रेवेनेंट को यहीं पर झकझोर दिया जाए कि करके नेट डाले जा रहे हैं एक्विनॉक्स के द्वारा। अब टीएसएम के प्लेयर्स रश इन करना चाहेंगे, ये वाला गेम सच में कियोटिक है, हद से ज्यादा वहीं पर एक्विनॉक्स के ऊपर एक्विनॉक्स एक ग्रेड सो जाएगा, टीएसएम की शैडो को यहां पर पिक करेंगे और सफाया यहां पर होगा जरूर। TSM के लिए पूरा मौका है क्योंकि एक जो बाहर हो चुकी है, मात्र एक प्लेसमेंट पॉइंट, मात्र एक फिनिश उनके पास है बट बात करी जाए टीम गॉडलाइक वैसे टीम एक्सपाक वहां पे प्लेयर डाउन, स्काउट एचपी बहुत ज्यादा कम, गेल मिस्टी के द्वारा डाउन किए जाएंगे वहां पे, स्काउट मौजूद रहेंगे देखना पड़ेगा यूरो के प्लेयर को डाउन करेंगे या फिर गॉडलाइक के जो प्लेयर है वो उनको डाउन करते हुए दिखाई देंगे। मावी को वहां पे फिनिश किया गया, किसी ने फिनिश निकाला फिनिश निकालते हुए दिखाई देंगे, सामने स्काउट वहां पे मौजूद है उन्होंने देखा नहीं था और फियरलेस फाइनली स्पॉट करते हैं स्काउट को डाउन होते हुए टीम एक्सपाक की स्क्वाड बात केवल एक प्लेसमेंट एक फिनिश के साथ। बट TSM क्या वो भी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है, बिल्कुल वो भी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है, गॉड लाइक उनके पास अब पूरा मौका रहने वाला इस मैच में आगे जाने का, वो पहला स्थान वापस अपने नाम करने का, देखते हैं कितना आगे वो जा सकते हैं। बट यू डॉक स्कोर सामने मौजूद गॉड लाइक क्या उनके पास ग्रेनेड है, यस बिल्कुल फियरलेस डाउन हो गए जोनाथन के द्वारा, मिस्टेक दार दो प्लेयर सर्वाइव करेंगे और जोनाथन सर्कल के बाहर मिस्टेक का एक ग्रेनेड जोनाथन डाउन। बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल होगी टीम यूडॉक के लिए क्योंकि जोन के बाहर वो हमें देखने को मिल रहा है, हील करने का टाइम मिलने का नहीं हो मेरे ख्याल से, शायद प्ले जोन के ही शिकार हमें नजर आएंगे। जॉनथन को उम्मीद पर यहाँ पर रिवाइवल जरूर से मिल सकता है, यहाँ पे स्पोक्स के अंदर जाकर के इसी प्लेयर को नॉकडाउन किया जाएगा एंड अब टीम यूडॉक से एकमात्र खिलाड़ी सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे। दिस इज द कमबैक ऑफ टीम गॉडलाइक दैट वी ऑल एक्सपेक्टेड एंड यहाँ पर मेरे ख्याल से मुश्किलें बढ़ा सकते हैं बट मिस्टेक को आप देखिए अब उनके पास कोई फैसिलिटी रहने वाला नहीं, के ऊपर कुछ शॉट जाएंगे प्रेडिक्टिव प्रेस लेकिन उससे पहले वहां पर क्लच गॉड जो है वो उनको फिनिश ऑफ करते हुए जरूर से नजर आएंगे। इनफैक्ट नियो ने उनको फिनिश ऑफ किया, यू डॉग का भी एलिमिनेशन हमें देखने को मिलता हुआ लेकिन जोन की अगर हम बात करें वो पूरी तरीके से
फरार जाते ही अपना काम शुरू करेंगे, टैक्टिकल किक प्ले को पिक किया जाएगा, बट ओल्ड हुड के प्लेयर्स दे माइट सी नीड एन अम्ब्रेला बिकॉज़ द आर्टिलरी स्ट्राइक इज कमिंग राइट डाउन देयर वे। सुल्तान को डाउन यहां पर डाउन किया जा चुका है, क्लोज को देखना पड़ेगा कैसे सर्वाइव करें। वेल से नो मोर एज ही विल बी टेकन डाउन। ओआर के प्लेयर्स कहर बन के टूटे हैं ओल्ड हुड के ऊपर और ऑलरेडी 11 फिनिशेस ओआर ईस्पोर्ट्स लेकर के बैठी हुई है। कहां पर थी ये ओआर की टीम? 12वां फिनिश इनके सामने हो सकता है। स्काउट को डाउन किया गया है, आदित्य को तो खाता नहीं खुला तो वो अब अपना खाता खोल रहे हैं। स्काउट को यहां पर फिनिश करने की उनकी कोशिश हो सकती है। किल किस तरीके से बचा पाएंगे अपने टीममेट को, इंपॉर्टेंट सवाल। आगे जा रहे हैं उनके ऊपर, यहां पर आप देखिए अपना क्रॉसर रखा गया है, थोड़े बहुत शॉट्स लिए जरूर गए थे। किल इज स्टिल सर्वाइविंग बट इज इट इनफ क्योंकि वो बगी यहां पर ब्लास्ट होगी तो भी किल के लिए दिक्कतें हो सकती है। उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। आदित्य खाता खोलेंगे और टीम को दिलवाएंगे 13वां। एक्सो के प्लेयर्स एक्चुअली मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इनको अब जब रशन करना पड़ेगा उसमें ही अपना गेम बना सकते हैं। स्काईलाइट्स के प्लेयर्स के लिए उस चीज में दिक्कतें हो सकती हैं, बट फियरलेस जिन्होंने पहले टीएसएम का एक जो फिनिश था वो चोरी किया था वो अब स्काईलाइट्स के प्लेयर्स के हाथों यहां पर फिनिश होते नजर आएंगे। शैडो भी वहां पर डाउन है, डेस्ट्रो एक एंगल लेकर के देखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सामने टीएसएम के प्लेयर्स नजर जरूर आ रहे हैं। ओआर इन सब फाइट से दूर थोड़ा सा पीछे है बट ओपन एरियाज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे में मैं एक्सो को देखना चाहता हूं वो आगे रश कैसे करें, क्योंकि देखिए एक स्मोक किया गया विंडोज की विजन ब्लॉक करने के लिए, जो स्काईलाइट्स की जो घर है उसकी जो विंडोज है उनकी विजन ब्लॉक करने की कोशिश यहां पर है, बट उसके बाद नेड्स भी करने पड़ेंगे एक्सो के प्लेयर्स को। एंड डू दे हैव इनफ नेड्स? दैट्स माय क्वेश्चन राइट नाउ, क्योंकि ये जो स्मोक्स हैं ये एक्सो के खेमे में जाते हैं, बट इसके बाद एक्सो रश करेगी तो क्या? बड़ा आप देखें ईवो डाउन हो चुके हैं, ईवो खत्म भी हो चुके हैं, जेली भी खत्म, और इसी के साथ टॉप 3 टीम आ चुकी है। एक बार फिर से रशिंग प्लेयर्स आप सर्कल के अंदर देखने को मिलेंगे। इसी के साथ एक्सो रश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, 4v4 की प्रॉपर फाइट चलने वाली है एक्सो वर्सेस स्काईलाइट गेमिंग। क्या एक्सो मेरा मेरे चिकन डिनर निकालने में कामयाब होगी? थोड़ी देर में पता चलने वाला है। गबल बॉय आप स्प्लिट देखें एक्सो का, किस तरीके से वो लोग यहां पे रश करने की तैयारी कर चुके हैं, बट स्काईलाइट गेमिंग उनका स्प्लिट बहुत ज्यादा बढ़िया। बट पंक की बात करी जाए, बेहतरीन गेम प्ले, बढ़िया ग्रेड, बट आप शैडो को देखें किस तरीके से वो प्लेयर के पास जा रहे हैं, वहां पे थोड़ी सी दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं स्काईलाइट गेमिंग, बहुत ज्यादा मुश्किल में। बट आप जो टीएसएम का प्लेयर प्लेस पीछे मौजूद है, क्या है ये विना विना चिकन डिनर वो अपने नाम निकाल सकते हैं इस पूरी फाइट में? प्लेस को अभी फाइट में आना भी नहीं है। इमोर्टल एक और ग्रेनेड यहां पर करना चाहते हैं, दिस ग्रेनेड कैन मेस द एंटायर टाइम लाइन फॉर स्काईलाइट्स। वेल वो ग्रेनेड ऊपर ही रहा और दिक्कत ज्यादा अभी के लिए हुआ नहीं, बट पीएस के हाथों में भी ग्रेनेड है। नीड परेड यहां पर हो रही है, मैन मेड रेड जोन एक जो बनाने की कोशिश कर रही है। एक अच्छा ग्रेनेड जा सकता है बट डेस्ट्रो एक प्लेयर को पिक करेंगे और अब बिल्कुल आगे जाए। इनफैक्ट इट वाज पुकार जिन्होंने प्लेयर को पिक किया था, खुद को हील यहां पर करना चाहते जरूर है, बट सोमराज के ऊपर पंका ग्रेनेड जाएगा। ये प्लेयर नहीं मान रहा इस समय, ग्रेनेड पे ग्रेनेड बार बार किए जा रहे हैं। डेस्ट्रो बिल्कुल सामने प्लेयर को स्पॉट करेंगे, डैमेज डेस्ट्रो को ही बहुत ज्यादा यहां पर झेलने को मिलता हुआ। इन सब चीजों के बीच में टीएसएम का एक प्लेयर अभी भी सरवाइव कर रहा है। स्काईलाइट जो हील बैटल करते थे उनके सामने एक गेम आ सकता है, बट लुक एट दिस, प्लेस इज आउट इन द ओपन, प्लेस कैन टेक दिस फाइट, प्लेस गॉड लूटते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल को पिकाडो और ऊपर वाला जो इलाका होता है पावर ग्रिड का, वहां पे हमें 70 के जो प्लेयर है वो देखने को मिलेंगे। चलिए रॉकस्टार, उन्होंने एक प्लेयर को डाउन किया, बड़ी तेजी में टैक्टिकल के प्लेयर आए थे उससे कहीं तेजी में रॉकस्टार ने उनको नीचे का जो रास्ता था वो बताया, और इसी के साथ 1v3 करते हुए रॉकस्टार टैक्टिकल इस तरीके का गेम हम आपसे उम्मीद नहीं करते। और चलिए रॉकस्टार अकेले पहाड़ बन के खड़े हुए और इसी के साथ टैक्टिकल सबसे पहले इस मैच से बाहर। एक बेहतरीन 1v3 क्लच हमें उनके साइड से इनफैक्ट देखने को मिलता है। आप देखिए यूएमपी का क्या बढ़िया इस्तेमाल उन्होंने किया क्लोज रेंज में, ओह माय गॉड, वो एक बेहतरीन चीज देखी जिसके साथ टीएसजी वर्सेस स्काईलाइट गेमिंग, ये वो पुरानी प्रेम कहानी है जो एक बार फिर से स्टार्ट होती नजर आएगी। लेकिन काफी ज्यादा ओपन एरिया में नजर आ रहे, मुश्किल इनके लिए हो सकता है। पुकार को एग्जैक्ट उनकी लोकेशन पता है, कबला बॉय वहां पर कोशिश जरूर से कर रहे हैं कि कुछ शॉट कनेक्ट किए जाए, स्मोक करके पीछे जाने की कोशिश, लेकिन एक ग्रेनेड जो है वो कुक किया जा रहा है पुकार के द्वारा। ये क्या कनेक्शन बनाएगा वो देखने वाली बात, काफी करीब जरूर से था लेकिन वो कनेक्शन आएगा नहीं। स्काईलाइट गेमिंग अभी के लिए दो चीजें उनके दिमाग में आ सकती थी, एक ये कि फाइट में इन्वॉल्वमेंट ना हो और एक हो, फिलहाल वो
इन्वॉल्व करने के लिए ही जा रहे हैं। एक फिनिश टू उनके पास यहाँ पर आता हुआ नजर आते हैं, निकल ऑलरेडी डाउन है, क्रिश वो ऑलरेडी वहाँ पर फिनिश हो जाएंगे, डेरिक सिंह जो है वो भी डाउन है। और देखिए हम बात कर रहे थे पॉइंट अर्जित करने की, तो अपनी बात वही कंप्लीट करूंगा, यहाँ पर दो ऑप्शन जरूर थे, तो उन्होंने सोचा कि अब जब वो इतना ज्यादा भिड़ चुके हैं पीएसजी के साथ, तो उनको पता है कि उनके ओपनेंस जो किस तरीके से फाइट में इन्वॉल्व होते हैं, क्या उनके गेम प्लेस वगैरह रहते हैं, और चार अर्ली फिनिशेस, चार अंक उनको मिल सकते हैं। तो वही वाली चीज है, उन्होंने पॉजिटिव देखे इस फाइट में एंड अभी के लिए फाइट में इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। तीन फिनिशेस आसानी से इनके पास जाएंगे, द सुपारी गैंग एक और खराब शुरुआत। आज मैं इंसर्ट कॉल कर रहा था एंटी और मुझे दो लाइनें बड़ी प्यारी सुनाई थी जी, दो लाइनें था फरमाऊं का जरूर, बट मुझे भी लगता है ऑडियंस कभी कभी ऑडियंस सोचती होगी मेरी तो रह रहे कि वो क्या जाता है, बट खैर डैडी अकेले बच्चे में अपनी टीम से उस बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, बट डैडी अकेले बच्चे अपनी टीम से देखते हैं जो क्लच सिचुएशन है वो आ सकती है या फिर नहीं। एक अच्छी लूप उनके पास है, आप देखें लेवल 3 का वेस्ट उनके पास है, बट इसी के साथ रेकनिंग को आप देखें, वेलेट अबाव वो साइड चले गए, ओआर की स्क्वाड ईगो सबसे पहले निकल चुके हैं और विनाश के साइड से आकर रुकेंगे, बट बाकी के तीन प्लेयर को आप देखें वो बहुत ज्यादा ही दूर है इस वक्त। एक्सो उन्होंने रोटेट नहीं करा है इस वक्त, जबकि हम हमेशा देखते हैं कि एक्सो के स्क्वाड सेंस से सबसे पहले प्लेयर होते हैं जो ऐसे सिचुएशन में सबसे आगे रहते हैं और रोटेट करते हुए दिखाई देते हैं, इस वक्त नहीं है वो। हैदराबाद कल से उन्होंने एक बहुत बड़ी सीख ली है कि आपको अगर इस तरीके का सर्कल बनता है तो अर्ली रोटेट बनता है, और वो चीज हमें देखने को मिल रहा है। हैदराबाद इतना ज्यादा अर्ली रोटेशन आपको करते हुए दिखाई देती है बड़े आसानी से सर्कल के अंदर, बट डैडी अभी भी अकेले बचे हुए टीम से, बट आप देखें TSM उनका भी एक अर्ली रोटेशन, क्योंकि हर एक किसी को पता है खासकर इन तीनों टीम को, स्काईलाइट TSM एक्सो सभी को पता है अगर सर्कल की तरफ नहीं है दिक्कतें आपके लिए हो सकती है, बट जो दिक्कतें खड़ी करेंगे वो है डैडी, जैसे उन्होंने डाउन किया और इसी के साथ सोमराज वो भी डाउन बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर शायद अभी भी दीवालों की पॉजिटिव बन सकती है। गमला पॉजिटिव देख से खड़े क्यों थे, मैं वो चीज देख रहा था। चलिए फाइनली वो अपने आपको हील करते हुए नजर आएंगे, अभी भी वो जो दो खिलाड़ी नॉक्ड आउट है उनको रिवाइवल मिल सकता है, क्योंकि देखिए वो कवर्स के अंदर है डैडी, अब इनके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं बचता, एक ग्रेनेड ठिकाने पे अर्ली एलिमिनेशन TSG का हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन क्या कोई दूसरी स्टोरी यहाँ पर डैडी जो है उनकी तरफ से तैयार है वो एक देखने वाली बात जरूर से। पुकार लगातार वो ग्रेनेड ट्राई कर रहे हैं लेकिन उस डिस्टेंस से वो आएगा नहीं, थोड़ा करीब उनको आना पड़ेगा, स्कोप जरूर से यहाँ पर किया जा रहा है, रिवाइवल जरूर से प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। डैडी एक और खिलाड़ी को वो डाउन करेंगे, कमला बॉय अब इकलौते प्लेयर स्टैंडिंग है, हील करने के लिए जा रहे हैं डैडी अपने आप को, स्काईलाइट गेमिंग मुश्किल स्थिति में आ सकते हैं डैडी, ओ माय गॉड वो वेपन स्विच करेंगे, AKM क्लोज रेंज बीच, कमला बॉय वर्सेस डैडी द 1v1, लेकिन कमला बॉय वहां पर विन करके जाएंगे फाइट, लेकिन डैडी दिलों को जीतेंगे। आप देखिए गेम मॉडल को नीचे कूदना पड़ेगा, बट देखते कि यहाँ पर क्या करने वाले। चलिए बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंटली वो अभी के लिए अपना जो घर है वो चेंज करते हुए नजर आएंगे और नाक के नीचे से निकल चुके, बट सोमराज फियर्स को स्पॉट करके डाउन करेंगे, टीम गॉड लाइक यहाँ पर मौजूद एंड टीम स्काईलाइट गेमिंग दूर से तमाशा देख भी रहे हैं और फिनिशेस भी बटोर रहे हैं। देखिए इस मैच में अगर स्काईलाइट चिकन डिनर लेके जाती है तो बहुत ज्यादा मुश्किलें होने वाली है दोनों टीम को, एक्सो एंड बात करी जाए TSM दोनों को मुश्किलें बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि स्काईलाइट उनका पिछला मैच बहुत ज्यादा बढ़िया था, चिकन डिनर पेंट करा था, इस मैच में अगर चिकन डिनर लेके जाते हैं अभी भी आप देखें 5 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं, अगर यहाँ पे वो 10 फिनिशेस करने में कामयाबी हासिल करते तो हो सकता है दूसरा पायदान वो बड़े आसानी से हासिल कर ले। फिलहाल के लिए गॉड लाइक 5 फिनिशेस के साथ वो भी आपको देखने को मिलने वाले, एक्सो का एक प्लेयर डाउन था, क्या उनको रिवाइव मिल पाया या नहीं वो थोड़ी देर में हमें पता चलने वाला है। क्लच गॉड कोशिश कर रहे हैं, आप देखें 4 फिनिशेस उनके पास आपको देखने को मिलेंगे, बट जो प्लेयर वहां पर नॉक था बड़े आसानी से एक्सो के द्वारा रिवाइव कर दिया जा रहा है, नॉक प्लेयर हो रहे हैं उसके बाद वो लोग रिवाइव भी कर रहे हैं, इस वक्त तीनों टीमें सर्कल के अंदर, आप देखें मात्र ये 6th सर्कल है, इसके बाद 7th सर्कल आने वाला, बड़ी इंपॉर्टेंट उनको रिवाइव किया गया, गेन वापस से नॉक किया गया, उनके प्लेयर उनके IGL सेंसे वापस से उनको रिवाइव करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर 4v4v3 का सिनेरियो जो है हमें देखने को मिलता हुआ और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेम, पंक यहाँ पर आएंगे, क्लच गॉड को उन्होंने स्पॉट करके डाउन जरूर से किया, लेकिन टेस्ट जो आप देखेंगे टीम एक्सो जो है वो एक तरीके से साइडवे सिचुएशन में हमें देखने को मिल रही है, क्या ये टीम एक्सो का सफाया भी हो सकता है क्योंकि बहुत ओपन में वहां पर जाना पड़ेगा फियर्स को भी, बट अभी भी वो सर्वाइव करते हैं। टीम गॉडलाइक की मीनवाइल बात करें वो इस मौके का फायदा उठाना चाह रहे हैं, पंक वो डाउन से उनका जो फिनिश है वो भी सिक्योर किया जाएगा, अभी भी टीम गॉडलाइक के दो खिलाड़ी सर्वाइव करते हैं, टीम एक्सो को आप देखें 3 खिलाड़ी उनके भी सर्वाइव करेंगे और अब वो जो ग्रेनेड है वो नहीं होगी, काफी ज्यादा करीब जाते हुए जोन
पूरी तरीके से टीम स्काईलाइट गेमिंग के फेवर में जाता हुआ, क्या ये बैक टू बैक विनर विनर चिकन डिनर जो है वो हमें आता हुआ नजर आ सकता है, बिकॉज नाउ इट्स अ 4v3v2 जहां पलड़ा भारी स्काईलाइट का। बड़े आराम से स्काईलाइट यहां पे विनर विनर चिकन डिनर लेके जाने वाले, देखना ये पड़ेगा कि क्या एक्सो जोन के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, क्या गॉड लाइक जोन के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, न्यू की बात क्या वो बग्गी के ऊपर बैठे हुए या फिर जस्ट प्रोन है वो हमें देखना पड़ेगा। चलिए बग्गी के अंदर बैठ के जॉनाथन ऑलरेडी नीचे मौजूद है, बट स्काईलाइट की गेमिंग चारों प्लेयर अलग थलग आपको दिखाई देंगे। साम्राज एक पूरा इलाका वो संभालते हुए, गमला बॉय पुकार एक साथ रहेंगे, डेस्ट्रो पूरा बीच का जो इलाका है वो आपको देखते हुए देखने को मिलने वाले प्लेयर से मॉस्टर सेंस से तीन प्लेयर बचेंगे, पंक वो खो चुके हैं, बट फिलहाल के लिए स्मोक किया जा रहा है गॉडलाइक के प्लेयर्स के द्वारा, जोन के अंदर जाने की एक कोशिश हो सकती है, बट क्या वो कामयाबी हासिल कर पाएंगे या नहीं वो देखना पड़ेगा। बट न्यू की बात करें, स्मोक किया वो गए, बट पुकार उनके स्वागत के लिए तैयार है, क्या पुकार ने उनको देखा, बिल्कुल देखा, ग्रेनेड किया ठिकाने पे गिरा, डैमेज बहुत ज्यादा, एक और मॉली से उनका स्वागत किया जाएगा, पुकार आगे जाने की कोशिश करें, बट अभी भी आप देखें जब उनके पास ग्रेनेड है तो फिर गन की क्या जरूरत, और इसी के साथ मुझे लगता है गॉडलाइक का जो खात्मा है वो हमें देखने को मिलने वाला है। पुकार डाउन करेंगे नियो को, जॉनाथन आखिरी प्लेयर और मोस्ट प्रोबब्ली ग्रेनेड के साथ जॉनाथन भी खत्म हो गए, बट नहीं थोड़ा डैमेज बट सेंस से वो भी डाउन। दूसरी तरफ आप सोमराज को देखिए, उनको पता है कि दूसरी साइड से जो प्लेयर्स है वो आ सकते हैं, सोमराज यहां पर 1v2 करके जाएंगे, लेकिन फाइनली सोमराज जो है वो भी डाउन हो जाएंगे। स्काईलाइट गेमिंग क्या बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए गॉडलाइक का सफाया, स्काईलाइट गेमिंग मात्र एक खिलाड़ी को उनको डाउन करने और ये चिकन डिनर उनके पास आएगा, लेकिन तब तक जो रिवाइवल है वो भी वहां पर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ओपन में टीम एक दो के खिलाड़ी हमें देखने को मिलते हैं, इमॉर्टल वो नीचे की तरफ आएंगे जरूर से सोमराज के, उनको रिवाइव करने के लिए चला जाएगा, एंड मीनवाइल इमॉर्टल को आप देखिए बिल्कुल एजेस की तरफ से रोटेट करके आएंगे जोन के अंदर आने की कोशिश, अभी भी यहां पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन फियर्स उनको फिलहाल रिवाइवल नहीं मिल पाएगा। सेंस से आगे की तरफ जाते हुए इमॉर्टल को भी इजीली स्पॉट किया जा सकता है, बट क्या एक और ट्विस्ट यहां पर आना बाकी है या फिर इजीली टीम स्काईलाइट गेमिंग यहां पर बैक टू बैक चिकन डिनर लेकर के जाएंगे। आठवां फ्रिज उनके खाते में जाते हुए इमॉर्टल काफी ज्यादा ओपन में वो गए, बिल्कुल अग्रेशन दिखाने की कोशिश, लेकिन अब सेंस से जो है वो सोलो मैन स्टाइल पूरी जो फाइट है वो पलट सकता है। अभी उन्होंने अपने आपको हील करा, वहां पर थोड़ी सी एचपी जरूर से लूज करी, लेकिन अब आप देखिए एनिग्मा के जो तीन प्लेयर्स हैं वो एक ही कंपाउंड में सिमट के रहकर वहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है कि अगर ग्रेनेड जाएंगे तो कनेक्शन बन सकते हैं, बट 7C मेरे ख्याल से शायद अभी के लिए ग्रेनेड का भी अभाव उनके पास हो सकता है, क्योंकि काफी अर्ली स्टेज ऑफ मैच में फाइट ले रहे हैं, लूट को उतना ज्यादा ध्यान दिया नहीं, और अभी जो पिछली फाइट उन्होंने ली थी वहां पर भी काफी सारे ग्रेनेड इस्तेमाल उन्होंने किए थे, तो ये चीज जरूर से देखने को मिल सकती है। मीनवाइल 7C के स्प्रे गॉड को वहां पर डाउन किया जाएगा, जो फिनिश है वो हो जाएगा सिक्योर। टीम एनिग्मा अब यहां पर क्लोजिंग करते नजर सकती है, और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट ये जो क्लोजिंग है वो हमें देखने को मिलेगा। एगी को डाउन जरूर से किए, एक्सो के सेंसा यहां पर आएंगे वो डाउन करेंगे, नियो डाउन करेंगे ओल्ड हुड के क्रेजी को, हर तरफ हमें फाइट देखने को मिलती हुई वहां पर सुल्तान डाउन करेंगे नियो को, जो फिनिश है क्रॉस के द्वारा सिक्योर किया जाएगा, और अब ये फाइट काफी जरूरी थी। जोन दिखा दीजिए एक बार, जोन दिखा दीजिए, सर्कल का शिफ्ट तो काफी ज्यादा एक अजीब सा शिफ्ट यहाँ पर हो चुका, आप देखिए सर्कल जाना हुआ वापस से सब कुछ बदलने की शुरुआत यहाँ पर सर्कल ने कर दी है, हर टीम को जाना है, फाइट हो रही है होने दीजिए, बट गेम तो आपको जोन के अकॉर्डिंग ही खेलना है मेरे दोस्त। बिल्कुल ये काफी ज्यादा बड़ा चैलेंज, मतलब मेरा एक्साइटमेंट भी आपने चुरा लिया होशक, मुझे ऐसा लग रहा है ये जोन, ओ माय गॉड, आज के दिन का आखिरी मैच और ऐसा जोन हमें देखने को मिल रहा है। 7C प्रिंस भी वहां पर डाउन किए जाएंगे, ये जोन काटेगा, आई मीन टीम्स की रोटेशन बहुत गंदी काटेगा और वो हमें देखने को मिलने ही वाली है। लेकिन खैर ओल्ड के प्लेयर्स की हम बात कर रहे थे, क्लाउस अकेले बचे, गॉडलाइक के प्लेयर्स डेफिनेटली फाइट लेने, जब क्लच गॉड का एक ग्रेनेड गया था दो प्लेयर्स को पिक उन्होंने किया था, क्लाउस आई डोंट थिंक सो सर्वाइव कर पाएंगे, एंड गॉडलाइक बहुत आराम से ये फाइट अपने हिस्से में लेकर के जा सकती है। एक प्लेयर बचे हुए थे बट उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया, क्लॉस ने वहां पर जॉनाथन को डाउन जरूर से किया, इजीली उनको जो रिवाइवल है वो यहां पर मिल जाएगा, और अब एक लंबा फासला तय करना है। टीम 7C की बात करें, अलादीन इज द ओनली मैन स्टैंडिंग, ग्रेनेड वहां पर जाएगा, मोलोटोव भी जाएगी, लेकिन मोलोटोव का काम होगा नहीं क्योंकि पहले ही उनका जो एलिमिनेशन है वो हमें देखने को मिल जाएगा। कुछ प्लेयर्स ने घर पकड़ा था क्योंकि अब हर टीम को ब्रिज से जाना ही पड़ेगा, और टॉप डॉग स्काईलाइट्स के प्लेयर्स के लिए दिक्कत है, इनफैक्ट पूरा का पूरा सिर दर्द बन चुके हैं जिसका कोई इलाज नहीं रहेगा। ऑनकोर भी यहां पर है जिस चीज की हम बात करेंगे, रेवेनेंट दे हैव द बेस्ट प्लेस राइट नाउ, एग्जैक्टली वहां पे प्रबल दावेदार जरूर से चिकन डिनर के, लेकिन अभी के लिए टीम एक्सपर्ट वर्सेस टीम एनिग्मा फाइट इनिशिएट हो सकती है, एगी एक तरफ दूसरी तरफ, अभी दोनों तरफ से घेरने की कोशिश यहां पर की जरूर से जा रही है, और 25 सेकंड का
मात्र अंतराल यहां पर बचता है। स्काउट को डाउन किया जाएगा। आप देखिए जो प्लेयर्स है उनका पूरा पर्सपेक्टिव बदल गया, गिल दूसरी तरफ देख लेंगे, उनको भी इजीली डाउन किया जाएगा। और अब आखिरी प्लेयर स्टैंडिंग एल्ट्रॉन, उनको भी यहां पर फिनिश आउट किया जाएगा। एलिमिनेशन टीम एक्स पार्क का, टीम एनिग्मा अभी भी सर्वाइव करते हुए, चारों खिलाड़ी इसके बाद सर्वाइव करते हुए।